अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा स्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं नाश्ते की तैयारी से। मम्मी यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, सेवियाँ बना रहे हैं, सेवियाँ उपमा। तो पहले एक पतीला लीजिए, थोड़ा सा तेल डालिए, फिर सेवियाँ डालिए। सेवियाँ को अच्छे से तेल में भून लीजिए। अच्छे से भुन जाए तो इसमें पानी डालिए। अच्छे से बॉयल्ड होना चाहिए पानी में। पानी अच्छा ज़्यादा ही डालिए, जैसे कि चावल बॉयल करते हैं बिल्कुल वैसे ही। नमक ऐड करिए थोड़ा सा, उसमें नमक ऐड करके बॉयल्ड होने के लिए छोड़ दीजिए। एक और स्टोव पे कढ़ाई रखिए धीमी आग पे, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल डालने के बाद इसके अंदर ज़ीरा तेल, जब थोड़ा सा लाइट गर्म होगा तो ज़ीरा और राई ऐड करिए उसमें। ज़ीरा और राई थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, करी पत्ता और मूंगफली ऐड करिए। इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नमक ऐड करिए। फिर हल्दी ऐड करिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। फिर अदरक लहसुन ऐड करिए। फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से फ्राई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़िए, और ये जो सेवियाँ बॉयल होने के लिए रखे हैं वो चेक करते रहिए। जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें से मतलब पानी को सेवियाँ से अलग कर दीजिए। पके हुए सेवियाँ कढ़ाई में ऐड कर लीजिए। ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको 5 मिनट्स के लिए दम पे रख दीजिए। रेडी हो जाएंगे आपके सेवियाँ, सेविया उपमा। जब सेवियाँ उपमा बन गए तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी था। मैं यहाँ पे बैठ के मम्मी और पापा से बात करते हुए मेरा नाश्ता इंजॉय कर रही थी। बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी नाश्ता है। बनाइए, काफ़ी अच्छा, सिंपल एंड ईजी भी है। सारी रेसिपी तो बताई हुई मेरे चैनल पे, तो मैं बहुत सारे रेसिपीज शेयर करी हूँ आप सबसे। आप चाहो तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बनाए हैं मम्मी। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही आप सबसे शेयर करी हूँ, नाश्ते के लिए या फिर रिफ़्रेशमेंट्स के लिए, डिनर के लिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करिए, बहुत टेस्टी होंगे। और यहाँ पर मैं अपना नाश्ता फिनिश करते हुए मम्मी से और पापा से बात कर रही थी। नाश्ता जैसे ही फ्रेश हो गया फिर मैं लग गई मेरे काम में। आज जो मेरा काम था बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला था, बहुत ज़्यादा सर फिरा काम था, तो बस उसी में बिजी हो गई थी मैं।
मेरी एक आदत है, मेरे हाथ में जो भी काम आता है ना, मैं उसको इजी तरीके से कर ही नहीं पाती हूँ। जब तक टेंशन नहीं लो ना, मेरा काम ही ख़त्म नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ हर छोटी बात पे। ये वाला भी बहुत टेंशन ली थी, लेकिन ठीक है, चलो करते हुए बैठ गई। ये मेरे पापा है जो मेरे पीछे से आए हैं अभी, शायद कुछ काम होगा, रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। मेरा दिन तो आज का पूरा बिजी रहेगा। आप लोग तो बस जो रेसिपी में बताई हूँ वो बना के खाते हुए एंजॉय करिए मेरा वीडियो। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ढेर सारा प्यार देना। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।